आज एक आपको एक ऐसी बात मैं करने जा रहा हूँ कि जो लाइफ से आपके ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, और वो है जिम्मेदारी की शक्ति या जिम्मेदारी की ताकत। क्या होता है कि हम हमारे ज़िंदगी में कभी भी अच्छा हो गया तो हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे वजह से हुआ, और अच्छा नहीं हुआ या काम नहीं हुआ तो बोलते नहीं वो व्यक्ति ने किया, उसने किया, उसने किया, ऐसा हम बोलते रहते हैं। या जब काम करते नहीं हैं तो हम लोगों को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं लोगों को, बोलते कि नहीं नहीं वो तो मैंने किया ही नहीं है, और एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते रहते कि नहीं उसने किया वैसा किया वैसा। मतलब क्या है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं बराबर हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं सही हूँ, वो दोषी है, उसने वैसा किया। तो जब हम बोलते कि नहीं, कोई भी जहाँ भी आप हो अपने ज़िंदगी में, जहाँ भी हो वहाँ आप उसकी जिम्मेदारी लो, मतलब जो भी कुछ हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि जब भी कुछ कुछ भी होता है तो हम बोलते परिस्थिति से ऐसा हुआ, परिस्थिति की वजह से ऐसा, परिस्थिति में ऐसा है। समझो आप लेट आ गए, लेट आ गए तो हम क्या बोलते कि नहीं नहीं वो बारिश आ गई करके मैं लेट आ गया। तो आपने दोष किसको दिया? बारिश को दिया। आप खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे क्यों? नहीं मैं मेरी वजह से लेट हो गया, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं लेट हो गया? आपने उतनी केयर क्यों नहीं लिया कि भाई बारिश भी आ गई तो भी अपन समय पे आ जाएंगे? नहीं मैं लेट क्यों हुआ? क्योंकि मेरी व्हीकल ख़राब हो गई, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मेरी बाइक ख़राब हो गई करके मैं लेट हो गया। मतलब जो भी कुछ होता है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो बोलते नहीं नहीं जो पेपर था वो बहुत कठिन था, या पेपर का जाँच जो थी पेपर की जाँच वो बराबर नहीं हुई। तो जो भी कुछ है तो हम जिम्मेदारी लेते नहीं। तो जिम्मेदारी में ये शक्ति है कि जिम्मेदारी में आप जो बोलते कि नहीं जो भी कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, जो भी घटित हो रहा है, जैसी भी ज़िंदगी चल रही है, तो उसका कारण मैं हूँ, वो मेरी वजह से हो रहा है। तो वैसा मतलब ऐसा किसी के ऊपर आपने उंगलियां उठाने की नहीं है, किसको ऐसा बोलने का नहीं कि तू जिम्मेदार है, वो मैंने खुद ने ऐसा बोलना है कि मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। क्या होता है यूजुअली हम लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो हमने खुद को बोलना है कि लाइक आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदार, मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मेरे वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि फिर आपकी ज़िंदगी आप जैसा बोलेंगे वैसी चलेगी, ना कि आप कहीं किसको परिस्थिति को दोष देंगे उसमें कि नहीं परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ है। यूजली क्या हो गया है कि समझो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो हम क्या बोलते, पत्नी मेरी वैसी है, उसने वैसा किया हुआ है, उसने वैसा किया हुआ है, उसने मेरे को ऐसा नहीं करना, उसने मेरे को वैसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी वो कर रही है, जो भी सामने वाली व्यक्ति आपसे जो भी सुलूक कर रही है, तो मैंने ऐसा क्या किया कि वो वैसा कर रहा है? मैंने ऐसा किस तरह से उससे बर्ताव किया? मैंने ऐसा उसके साथ में क्या बातचीत किया कि वो वैसा कर रहा है? तो हरदम ऐसा बोलते हैं हम कि भाई अच्छा हो गया तो उसके लिए लोगों को उसका क्रेडिट दो तो वो अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है, और कभी बराबर होता नहीं है, बुरा होता है, जो भी कुछ हो जाता है तो उसका डिस्क्रेडिट आप लो, उसमें आपकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि आप वहाँ खड़े रहेंगे कि ये जो हुआ है मेरी वजह से यदि हुआ है तो फिर आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँ कि इसका मतलब इस तरह से ऐसा नहीं होना है, उसके लिए मैं क्या करूँ भाई? नहीं तो क्या हो जाएगा कि नहीं अच्छा नहीं हुआ तो वो, तो फिर हम क्यों, क्या है फिर हम वहाँ खड़े नहीं हैं कि जो भी कुछ बुरा हुआ है या जो भी कुछ रिजल्ट आए नहीं हैं तो उसके लिए लोग जिम्मेदार है, फिर मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। तो फिर मेरा कंट्रोल लोगों के हाथ में है, मेरा कंट्रोल परिस्थिति के हाथ में है ना, और परिस्थिति जैसा बोलेंगी वैसे मेरी लाइफ चलेगी, ऐसा वो हो जाएगा। तो जिम्मेदारी, कहीं भी जिम्मेदारी लेना और वहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस करना, मतलब वहाँ रिजल्ट लगना चाहिए, वो भी देखना आपका काम है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और वहाँ रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो आपको आपके बच्चे को बुखार आ गया, आप बोलेंगे मैं क्या करूँ? आपका बच्चा 4 साल का है और आपके बच्चे को बुखार आ गया तो आप बोलेंगे मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ ऐसा बोले तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मगर 4 साल के बच्चे को बुखार आया तो माँ बाप ने ये देखना पड़ेगा कि भाई उन्होंने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया कि उसको बुखार आ गया। कुछ तो भी तो किया होगा या कुछ तो भी नहीं किया होगा उसकी वजह से बुखार आ गया। तो वो जब आप देखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी जैसे आप कहेंगे वैसी जाएंगी।
तो ये जिम्मेदारी, मतलब आप जीवन में ऐसा जीवन जी रहे सुबह से रात तक कि मैं जहाँ भी जो भी काम कर रहा हूँ, जिसके साथ में भी काम कर रहा हूँ, जो भी वातावरण में काम कर रहा हूँ, जो परिस्थिति में काम कर रहा हूँ, तो वो परिस्थिति में जो भी मैं कर रहा हूँ और जो भी निकाल आ रहे, उसके जो भी रिजल्ट आ रहे, उसके लिए कारणीभूत मैं हूँ, मैं उसका कारण हूँ, और वहाँ मैं खड़े रह के देखूँगा कि मैंने क्या करना चाहिए, आगे चल के ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा हम करते तो हमारा लाइफ जो है वो असामान्य लाइफ होंगे और असामान्य जीवन जी सकते हैं। तो आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ज़िंदगी में देखो लोग ऐसे ही करते रहते, तो लोगों को यदि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात जच गई और इस तरह से लोग यदि जीना चालू करते हैं ना, तो लोग उनकी ज़िंदगी में बहुत असामान्य रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ग्रुप पर शेयर करो। हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ हम सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए हम काम करते हैं, तो उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। कैसा कि आप जब लोगों को शेयर के लोगों को मालूम हो जाएगा कि भाई इस तरह से जीवन जिया जा सकता है, लोगों को मानसिक बीमारी होंगी नहीं, लोगों को डिप्रेशन नहीं आएगा और लोगों की रिलेशनशिप जो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे यहाँ हम काउंसिलिंग भी करते हैं, आपको इसके बारे में कोई जानकारी होंगी तो आप मतलब नीचे नंबर है वहाँ भी हम आप कॉन्टैक्ट करो, तो आपको हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन सलाह देते हैं पेशेंट लोगों को, और काफ़ी सारे हमको फ़ोन आते रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स है अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, वहाँ मनोविकार और व्यसनी जो लोग हैं शराबी, उनका इलाज हम करते हैं। तो जरूर वीडियो शेयर करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।